सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल UP24 ब्लॉगर। तो भाई आज की जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपनी बाइक से रिलेटेड, मेरी बाइक से रिलेटेड। ये देख सकते हैं आप मेरी बाइक, एंड ये है मेरी बाइक पल्सर 150 सीसी बाइक है एंड इसका नाम डॉबी है। तो मैं आज आपको इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो जो जो भी पल्सर 150 ऑन करते हैं भाई, वो ये वीडियो को ज़रूर देख लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड भाई जो ये बाइक है, ये मेरी 2018 मॉडल है, BS4 मॉडल है। तो BS4 जिन जिनके पास भी होगी भाई, उसका पिकअप में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा सबको, मतलब वो पंच नहीं मिल रहा होगा, वो पिकअप नहीं मिल रहा होगा। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं भाई, सर्विस वगैरह में क्लच प्लेटें वगैरह चेंज कराते हैं। मैंने भी कराई थी, प्रेशर प्लेटें भी चेंज कराई, सब कुछ चेंज कराया भाई, लेकिन फिर भी पिकअप नहीं मिला मुझे। व्हीली वगैरह उठाने के लिए वो पिकअप नहीं मिलता है इस बाइक से। तो हमने क्या करा था कि इस वाली बाइक में हमने बड़ा चैन स्पॉकेट लगवा दिया, ड्यूक 250, जो ड्यूक 250 आती है KTM ड्यूक, उसका हमने बड़ा वाला चैन स्पॉकेट लगवा दिया, जिससे कि इसका पिकअप और हाई हो जाए, मतलब और अच्छी व्हीली उठे। तो मैं आपको भी वही दिखाऊंगा स्पॉकेट एंड इसके। सो गाइस आप देख सकते हैं, ये है चैन स्पॉकेट कितना बड़ा है। ये मेरी जो डिस्क है दूसरा साइड वाला, मतलब दूसरे साइड में जो डिस्क लगा हुआ है, इससे भी बड़ा स्प्रॉकेट है ड्यूक 250 का। तो ये मैंने अपनी पल्सर 150 में लगवा दिया था। तो इसके भाई नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग, मैं आपको वही बताऊंगा आज की वीडियो में कि इसके क्या क्या नुकसान हैं। मेन जो नुकसान है भाई वो बता देता हूँ आपको, छोटे मोटे तो खैर सभी झेल जाते हैं, तो बड़ा नुकसान इसमें भी हुआ है, मेरी बाइक में भी हुआ है, तो मैं भी आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ जो है भाई वो है इसका माइलेज ड्रॉप होना। खैर नॉर्मल सी बात है, फिर भी माइलेज पहले मेरी बाइक देती थी करीब 40 सिटी में 35 से 40 के बीच में देती है, अब ये देती है 20 से 25 का एवरेज बस। तो एवरेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है एंड टॉप स्पीड वगैरह सारा कुछ इसका कम हो चुका है और वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अभी मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊँगा, वाइब्रेशंस वगैरह बहुत हो गई हैं बाइक में। एंड सबसे जो बड़ी चीज़ है भाई वो है मूवी ऑयल, जो अपने इंजन ऑयल होता है, इंजन में जो ऑयल होता है भाई वो बहुत ज़्यादा मतलब चाट रही है, कह सकते हैं कि जल्दी ख़त्म कर रही है। तो ये जो स्प्रॉकेट डलवाने के बाद जो है इंजन ऑयल भाई बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, महीने भर में पूरा इंजन ऑयल ख़त्म कर दे रही है बाइक। और मुझे भी नहीं पता था कि इसमें इतनी जल्दी इंजन ऑयल ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मतलब बाइक को बहुत चलाया, व्हीली ट्राई करी, स्टंट वगैरह ट्राई करे, तो थोड़े दिनों बाद पता चला कि बाइक का मतलब पीछे साइलेंसर में से धुआं निकलने लगा था वाइट। तो मैंने जब दिखाया सर्विस सेंटर जाके, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि इसमें इंजन ऑयल बचा ही नहीं है बिल्कुल। खैर अभी तो मैंने पढ़वा दिया, लेकिन अब बाइक का हाफ इंजन होगा और काफ़ी इसमें काम होगा, करीब 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे इसमें। तो इसका यही नुकसान है बहुत बड़ा। अगर कोई भी भाई मेरा पल्सर 150 वाला देख रहा हो तो भाई चैन स्प्रॉकेट मत चेंज करवाना, और अगर आप करवाते भी हैं तो बाइक को थोड़ा अपना ध्यान से रखना, महीने तो मतलब एक महीने के अंदर अंदर अपना इंजन ऑयल चेक करते रहना कि इंजन ऑयल बचा है या नहीं। बाकी भाई पिकअप वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा आने लगा था इसके बाद, बट मैं इसको अभी चेंज करा दूँगा क्योंकि भाई बाइक मेरी पूरी ख़राब हो चुकी है, स्टार्ट हो रही है, चल भी रही है, बट बिल्कुल भी पावर नहीं आ रही है और पीछे से थोड़ा वैसा धुआं फेंकती है। अभी देख स्टार्ट करके देखता हूं मैं कि अभी देती है या नहीं, और आपको वाइब्रेशन भी दिखाता हूं, वाइब्रेशंस बहुत हो रही हैं बाइक में। तो अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं, अभी खैर मतलब वाइब्रेशन वगैरह तो पता नहीं चलेगी ऐसे, बट फिर भी मैं एक बार देखता हूं ट्राई करके। सुबह सुबह जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो ज़्यादा फेंकती है। अभी गर्मियों का टाइम है, सर्दियों में तो चलो होता है कि हाँ भाई धुआं फेंकती है बाइक, लेकिन गर्मियों के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। मैंने जब इसमें इंजन ऑयल डलवा दिया दूसरा, तभी इसका थोड़ा मतलब धुआं निकलना कम हो गया पीछे से, उससे पहले बहुत ज़्यादा देर थी और चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब थोड़ी बहुत बाइक सही हुई है चलने में। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास पल्सर 150 है और आप लोग अगर थोड़ा पिकअप वगैरह इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो भाई एग्जॉस्ट वगैरह लगवा लो पीछे, तो थोड़ा बहुत पिकअप बढ़ सकता है। ये मत लगवाना चैन स्पॉकेट, वो भी ड्यूक 250 का तो बिल्कुल भी मत लगवाना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बाइक चलने में भी बहुत दिक्कत देती है, मतलब लोड मांगती है बहुत, और टॉप स्पीड वगैरह आपकी बहुत कम हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा, बस इनिशियल में थोड़ा मतलब पंच मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि भाई आप लोग देख लें एंड ये चैन स्प्रॉकेट ना पड़वाएं अगर आपको अपनी बाइक से प्यार है, वैसे मुझे भी है,
बट यार मैं इसको सही करा लूँगा, मेरा सब कुछ ओरिजिनल जो भी है वहाँ सामने सब कुछ रखा हुआ है। और ये मेरी दूसरी बाइक है R15 वर्जन 4, तो ये भी फुली मॉडिफाइड है। इस पर अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं भाई क्या मैंने मॉडिफिकेशन कराई है इसमें, तो भाई मुझे कमेंट में बता देना। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, तो चलते हैं फिर किसी और वीडियो में, मिलते हैं आपको। और अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तो टाटा बाय।